इधर केशव मौर्य सीएम योगी में टशन, उधर अखिलेश ने ठोकी ताल। यूपी उपचुनाव 2027 के इलेक्शन में जीत का दावा, यूपी बीजेपी में बड़ी हलचल है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, क्योंकि इधर यूपी के सीएम योगी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक की। उधर दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा से मौर्य की मुलाकात के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा दावा ठोक दिया है। अयोध्या में सपा की अप्रत्याशित जीत के बाद अखिलेश यादव पहली बार रामलला की नगरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अयोध्या के संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। वहीं अयोध्या के संतों ने अखिलेश यादव को रामनामी भेंट की। इसी दौरान अखिलेश यादव ने तो पहले अयोध्या से ये वादा किया कि अब जब भी यूपी में सपा की सरकार बनेगी वो इसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सपा ने अयोध्या में पहले भी कई काम किए हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव ने दो बड़े दावे भी कर डाले। पहला ये कि वो यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का परचम लहराएंगे। साथ ही अखिलेश यादव का दूसरा दावा ये था कि यूपी विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं, उसमें भी समाजवादी पार्टी जीत का पताका पूरी यूपी में फहराएगी। अखिलेश यादव ने अपने शब्दों में मजबूती की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से बीजेपी हताश और निराश है। ऐसे में आने वाले उपचुनाव और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। संतों से मुलाकात के वक्त अखिलेश यादव के साथ अयोध्या के सांसद अवधेश कुमार भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने यहाँ बीजेपी के कामों की कमियाँ भी जमकर गिनवाई, जिसमें अयोध्या में जलभराव और सड़कों की धंसने की समस्या भी रही। अखिलेश यादव ने इन दोनों समस्याओं का जायजा भी लिया। साथ ही अयोध्या के बारे में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी अटैच किया है। इस वीडियो में सड़क और बिजली के पोल दिखाए गए हैं। साथ ही लिखा गया है, अयोध्या में जिस तरह विकास का पैसा छूमंतर हो गया, वैसे ही बिजली के खंभों से लैंप लाइट सब कुछ गायब हो गया है। जनता पूछ रही है, जब लाइट ही नहीं है तो लाइट के पोल के नाम से भुगतान कैसे हुआ? करोड़ों कमाकर भाजपाई ठेकेदारों के घर तो रोशन हो गए, लेकिन जनता के हिस्से आया सिर्फ अंधेरा। ये बीजेपी राज है या अंधेर नगरी? जाहिर है, अयोध्या में सपा को अप्रत्याशित जीत मिली है, जिसके बाद से अखिलेश यादव का मोरल हाई है। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से किए गए ये दोनों दावे कितने सही साबित होते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल यूपी बीजेपी में चल रही हलचल का क्या रिजल्ट होगा, ये भी कम दिलचस्प नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।